चलिया हमसे सनम क्या पर्दा हो हमसे सनम क्या पर्दा ये आज का नहीं मिलन ये संग है उम्र भर का बाहों में चलिया हमसे सनम क्या पर्दा हो हमसे सनम क्या पर्दा। मेरे प्यारे संगीत एवं ध्यान प्रेमियों आप सबों को स्वामी शांति देव का हार्दिक प्रणाम। मित्रों आज मैं आपकी सेवा में लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही प्यारा फिल्म संगीत और यह गीत है फिल्म अनामिका से। गायिका है लता मंगेशकर। आइए हम आपको इस गीत को हारमोनियम पर स्वर लिपि के साथ सिखाते हैं। इसमें आप कुछ कॉर्ड की भी प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही इस गाने का स्थाई और अंतरा का नोटेशन भी आपको समझाया जाएगा और हारमोनियम के साथ आपको उस पर किस तरह से आप स्वरों को पहचानेंगे, फिंगर सेट करेंगे, इसके लिए ये आज का वीडियो है। इसके पहले मैंने आपको एक कॉर्ड का वीडियो दिया है कि हम हारमोनियम पर कॉर्ड बजाना कैसे सीखेंगे, और मैंने ये कहा था कि एक गीत मैं आपको दे रहा हूं अगले कार्यक्रम में, जो मैं आज दे रहा हूं आपको उसमें मैं कुछ कॉर्ड की प्रैक्टिस भी आपको करवा दूंगा गीत के साथ आज ही। तो आप पूरा वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बीच से उसे छोड़ देंगे तो आप एक तो पूर्ण सॉन्ग का प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, न समझ पाएंगे उसके नोटेशन को, और साथ ही बीच बीच में कहां कहां कॉर्ड आता है इस गाने में ये भी नहीं आप सीख पाएंगे। तो मेरा यह निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे अपना बना लें, क्योंकि इस चैनल से बहुत ही सरलता पूर्वक आपको संगीत सिखाया जा रहा है। तो आइए सीखते हैं यह गीत बाहों में चले आओ। तो आइए मित्रों सीखते हैं एक बहुत ही प्यारा फिल्म सॉन्ग जिसका बोल है बाहों में चले आओ। फिल्म है अनामिका, गायिका है लता मंगेशकर, गीत मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत आरडी बर्मन, और ये सी शार्प से मैं आपको सिखाऊंगा, स्केल सी शार्प है। ऐसे आपके गले का जो भी रेंज हो आप अपने गले के रेंज से स्वर को
तय करके, स्केल तय करके कि आपके गले के लिए कौन सा स्केल सूटेबल है, सुविधाजनक है, तो आप उसी स्केल से इसे बजाएंगे और गाएंगे। तो आइए सबसे पहले इसका अस्थाई देखते हैं कैसा है। अस्थाई इस तरह है, ये आप ये जान लें कि ये जो गीत मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ये ताल कहरवा पर आधारित है। ताल कहरवा 8 मात्रा। अब और ये स्टार्ट हो रहा है तीसरे मात्रा से, दो मात्रा शून्य है, तीसरे मात्रा से स्टार्ट हो रहा है 1 2, फिर तीसरे मात्रा से अब ये बाहों में चले आओ इसे आप देखें पहले सरे पा, ये तीन स्वर एक ही मात्रा के अंदर सरे पा बाहों में चले पापा सरे पा पापा बाहों में चले आ। और ये आ जो है ये दो मात्राओं में है प प ध प स ध आ आ आ। तो इसको इस तरह से कहेंगे बाहों में चले आ। अब फिर ओ, ओ के लिए देखिए म पर एक और मात्रा है तो वहां एक मात्रा तक ठहरेंगे प म। तो इसके स्वर कौन कौन लगेंगे, कैसे लगेंगे ये देखिए सरे प प प प ध प स ध प म। ठीक है, ये क्या हुआ बाहों में चले आ हो। यहां तो आपने देख लिया हो हमसे सनम क्या पर्दा। अब इसमें देखिए हो हो मारे मा हो मारे मा हम हमसे सनम। अब इसके लिए देखिए ये है हो हम मारे हम से मारे रे सा 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 मारे रे सा 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 हो हम से सनम। समझ रहे हैं हो हम से सनम क्या क्या। अब ये क्या के लिए रेसा क्या रेसा पर सा पर दा। और ये ध मंद्र सप्तक का ध यहाँ प्रयोग किया जा रहा है, ये देख ली वह भी कोमल कोमल ध मंद्र सप्तक का यहां पर दा पर दा।
अब ये मीर के द्वारा मैंने पहले सिखाया है इसीलिए आपको वो सारी चीज़ें, कि उस चीज़ को जब आप समझ लेंगे कि मीर किसे कहते हैं, खटका किसे कहते हैं, गमक किसे कहते हैं, तो आपको गाने में जो प्रयोग होंगे ये सब चीज़, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि वो ये रहा मीर, ये रहा खटका, ये रहा गमक, तो ये मीर है। देखिए मीर कैसे है, यहाँ से ये ध कोमल से ग कोमल, यानी ध कोमल मंत्र सप्तक ग कोमल, यहां से ऐसे, यहां से देखें, हो हमसे सनम क्या पर्दा हो, ये ऐसे जा रहा है, जब बिना कट किए स्वर को हम एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते हैं धनुषाकार, तो वह मीर कहलाता है, इसकी मीर की यही परिभाषा है। तो हो जो यहाँ है वो मीर लेते हुए तब कहा गया है, हो हम से सनम क्या पर्दा धग ग ग ग गरे सारे सा हो हमसे सनम क्या पर्दा। यहां तक आपने देख लिया और मैं समझता हूं आप भली भांति इसको सीख गए हैं और आप इसे बजा सकते हैं। आपके सामने ये नोटेशन है और इस नोटेशन को बिल्कुल आप याद करके और तब आराम से आप हारमोनियम बजा भी सकते हैं और इसके साथ गा भी सकते हैं। अब देखिए अगली पंक्ति किस तरह से है, ये आज का, ये आज का, सारे गरे ये आज का, सारे गरे। और ये जो आप बिंदी देख रहे हैं यहां कंपोजिंग में आपको बिंदी दिखाई पड़ रहा है चार मात्रा, तो यूं समझिए कि वो चार मात्रा तक आपको चुप रहना है और फिर चार मात्रा के बाद गाना है। तो ये आज का, एक दो तीन चार, ये चार मात्रा चुप रह के फिर नहीं मिलन सारे गरे, सारे गरे रे ग प ग ये आज का, नहीं मिलन। ये तो आपने देख लिया। अब ये संग है उम्र भर का, ये कैसे गाएंगे देखिए, ग म प म ये संग है, ग म प म ये संग है। अब ये है के बाद तीन मात्रा तक आपको उसी पर ठहरना है, उसी म पर, ये संग है उमर 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 के लिए पधा पधा पा 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 उमर भर का, पधा पा 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 उमर भर का। और इसके बाद फिर एक अब ये प पर ही वो आप बोल दे सकते हैं जो उसमें है, शू 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 शू, ऐसे करके कुछ है ऐसा साउंड है उसमें, शू 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 शू।
ऐसे वो प पर ही बोला जाएगा। और इसके बाद फिर बाहों में चले आओ, बाहों में चले आ, 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 ओ, 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 हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा। तो ये अस्थाई हो गया। अब आइए हम इस गाने का अंतरा सीखते हैं। अब अंतरा के बोल क्या हैं ये देखिए। अंतरा के बोल हैं चले ही जाना है, गगरे सा 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 पर। एक बार फिर गगरे सा 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 पर। ओके, चले ही जाना है। इसके बाद है नजर चुरा के यूं, फिर उसी तरह गगरे सा सा सा। अब ये प पर नहीं जाकर के यही रुकना है, सा पर ही रुक जाएंगे। दूसरे बार जब रिपीट करेंगे तो प पर प, ये जो हम लगा रहे थे मंद्र सप्तक का प, वो नहीं लगाएंगे, सा पर ही रुकेंगे। गगरे सा 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 नजर चुरा के यूं। और इसके बाद है फिर थामे क्यों साजन तुमने मेरी कलाई क्यों, फिर थामे क्यों। फिर ये मौ जो है कण स्वर है ग के लिए, मैंने कण स्वर भी आपको बताए हैं। अब सारा प्रयोग आप देखेंगे कि किस तरह से ये प्रयोग हो रहे हैं गाने के अंदर। अब ये कण स्वर ले करके तब ग पर आना है ऐसा। फिर थामे क्यों साजन तुमने, सेम स्वर। फिर थामे क्यों ग रे 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 ग रे रे रे। फिर थामे क्यों साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। अब ये कैसे है, रे मा ग ग ग ग मेरी कलाई क्यों। और इसके बाद है किसी को अपना बना के छोड़ दे। अब है देखिए, किसी को अपना के लिए किसी को सारे मा किसी को अपना ऐसे, किसी को अपना सारे मा रे रे रे। किसी को अपना बना के छोड़ दे, रे ग प ग ग बना के छोड़ दे। इसको एक बार फिर देख लें, किसी को अपना बना के छोड़ दे, किसी को अपना बना के छोड़ दे, सारे मा रे 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 ग प ग ग ग। अब है ऐसा कोई नहीं करता, ग म प ऐसा को ग म प म ऐसा कोई, ग म प ग ऐसा कोई नहीं, नहीं पधा प नहीं करता, पधा प प प प नहीं करता, पधा प प प प। और फिर अस्थाई जुड़ जाएगा इसमें, ये अंतरा यहीं तक है, ये हो गया। और इसके बाद फिर से अस्थाई, बाहों में चले आ
सनम क्या पर्दा हो, हमसे सनम क्या पर्दा। तो ये अस्थाई और अंतरा इस गीत का आपने देख लिया, नोटेशन आपके सामने है और इसे आप आसानी से गा भी सकते हैं, बजा भी सकते हैं। अब आइए अब यह सीखते हैं कि इसमें हम कहाँ कहाँ इसमें कॉर्ड का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कर सकते हैं इस गाने के अंदर। तो सबसे पहले ये देखिए, पहला कॉर्ड जो इसका है ये है सी शार्प का कॉर्ड है, सा ग प, ये बाह में चले आओ हमसे सनम क्या पर्दा। अब ये जो लग रहा है ये ध का जो कॉर्ड बनेगा यहां, ध सा और ग, ये यहां लगे, हो हमसे सनम क्या पर्दा, ये लगेगा, हो हमसे सनम क्या पर्दा। ये इस तरह से आप इसमें कॉर्ड लगा सकते हैं, ये आज का। अब ये रे के लिए जो कॉर्ड बनेगा ये हो गया, देखिए कॉर्ड का मैंने आपको पीछे तरीका बताया कि जिस स्वर का कॉर्ड आपको लेना है तो ये अगर हम मेजर कॉर्ड इसका लेंगे तो 1 2 3 4 5, तो रे म, तो ये तो म लगेगा नहीं इसमें, अगर ये नहीं लगेगा तो फिर हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, तो ये माइनर कॉर्ड यहाँ लगेगा, 4 5 6 7 8, तो ये लगेगा इसमें, ये लगेगा कॉर्ड, वन टू थ्री फोर, यानी के ये ऐसा, किसी को अपना बना के छोड़ दे। अब ये ग के लिए फिर सा, वो ये सा का कॉर्ड यानी सी शार्प का कॉर्ड, ये किसी को अपना बना के छोड़ दे ऐसा कोई, अब ये मौके के लिए ये नहीं करता, अब ये प के लिए प नी रे, और फिर बाहों में चले आओ। तो इस तरह से आप ढूंढ के जिन स्वरों का, क्योंकि कॉर्ड का जो लेसन है ठीक इस वीडियो से पीछे का जो वीडियो आपको गया है वह मेजर और माइनर कॉर्ड का वीडियो मैं आपको भेज चुका हूँ, तो मैं आपको केवल थोड़ा सा इशारा किया हूँ इसमें कि आप किस तरह से कॉर्ड गाने में लगा सकते हैं। तो वो आप स्वयं ही जिस स्वर पर थोड़ा ठहराव है उस पर आप उसका कॉर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और गाने को सुंदर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब स्वामी शांति देव को आज्ञा दें। इसी तरह मैं आपके लिए और भी सुंदर सुंदर गीतों का कंपोजिशन सस्वर स्वर लिपि के साथ आपके लिए ला रहा हूँ, आप देखते रहें हमारे एक से एक ट्यूटोरियल वीडियो और सीखते रहें संगीत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।